शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ।1975 में धनबाद के चश्नाला जिले में बाढ़ आने से 372 लोगों की मौत हुई। चंद बचे लोगों में एक था 12 साल का करीम मूसा। 19 साल की उम्र में जब करीम के दोस्त किताबों की गुलामी कर रहे थे, तब करीम ने ताश के 52 पत्तों को अपना गुलाम बना लिया था। कामयाबी उसके कदम चूम रही थी और करीम को मूसा भाई के नाम से बुलाया जाने लगा। मूसा को अपनी तकदीर आजमाने की लत लग चुकी थी। अब वो हांगकांग, बैंकॉक, दुबई, केप टाउन, हर जगह अपना लग फैला रहा था। क्रिकेट बेटिंग, हवाला, गोल्ड स्मगलिंग, ये सब पुराने धंधे हो चुके थे। मूसा ने ऐसी चीज का नशा पैदा किया जिसकी ना कोई सीमा है, ना तो जिसकी ताकत का कोई रोक है। मूसा को अब तलाश है ऐसे लोगों की जिनका लक उसी की तरह मौत को भी मात दे दे। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक अपनी किस्मत के बुरे या अच्छे होने का एहसास नहीं। ऐसा ही एक किस्सा है राम मेहरा का। 1992, हर्षद मेहता याद है? सेम टू सेम केस है तेरे फादर का। कम से कम 25 करोड़ का घोटाला, खुद डूबे, खुदकुशी कर ली, कितनों को डुबाया, सब मरेंगे हार्ट अटैक से। कमाया तो स्टॉक एक्सचेंज का जुआ, गवाया तो जानलेवा कुआं। मेरी माँ को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो हार्ट अटैक से मरे हैं। प्लीज। 3 महीने हैं तेरे पास, घर जायदाद जो कुछ भी है सब जब्त हो जाएगा। बाप के दुश्मन पीछे पड़ेंगे अलग, जीना मुश्किल हो जाएगा तेरा। 2 महीना केस दबा कर रख सकता हूं, कम से कम 4 खोखा लगेगा केस रफा दफा। नहीं तो मां की तकलीफ अलग, बाप की तरह तू भी खुदकुशी कर लेना सलाखों के पीछे। इतने पैसे इम्पॉसिबल। अरे 5 लाख तक तो मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं यार, तुझसे नहीं लूंगा। जब तेरे पास पैसे आए तो लौटा देना, उसमें क्या है। पैसे भी जीते, बाकी के 15 कहाँ से? वो मुझे नहीं पता, तू चोरी कर, डाका डाल, जो करने का हो कर। देख चाह है तो रहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। 9:30 आ गया। कौन? पता नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन हर 6-8 दिन में ना लॉटरी का टिकट खरीदने आ जाता। तेरा बाहर से यार एक लॉटरी का टिकट फाड़ के दे दिया उसको।
वही हो लॉटरी? तमांग, लाखन तमांग, इन्वेस्टमेंट का धंधा है। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, शेयर्स, लक, इंसान के लक में इन्वेस्ट करता हूं। ये ले तेरा हिस्सा। मेरा हिस्सा? 2 साल से लॉटरी टिकट खरीदा हूं, 5,000 भी नहीं लगा। पिछले 2 बार तेरे हाथ से टिकट लिया, 2 लाख रुपए लगे। लाख रुपए तेरा हुआ ना? इन नोटों से कई बड़ी रकम है तेरे पास, तेरा लक। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो तेरे हाथ में। कौन से उठ पे पैसा लगाने का? 2 नंबर पे। ओए नहीं, 11 नंबर पे लगाना। 3 नंबर पे लगाओ साहब, 3 नंबर बहुत लकी है। पिछली 5 रेस वही जीत चुका है। डूबेगा साहब, पैसा डूबेगा। ए शॉर्टकट, नंबर 8 पे पैसा लगाओ साहब, बिंदास। 8? लंगड़ा है साहब, लंगड़ा है। पिछले हफ्ते हम उसको सुलाने वाले थे, पर ऐन वक्त पर पिस्तौल जाम हो गई तो बचा हुआ है। पिस्तौल नहीं चली ना, जिंदा है ना, इसी को तो लक बोलते हैं। साहब पैसा लगाओ। वैसे भी अगर उसका लक नहीं चला तो क्या, मेरा चलेगा ना? बात तो है साहब, जिस ऊंट पर बैठती है वो ऊंट जीतता है। कहते हैं पैसा कमाने का शॉर्टकट है शॉर्टकट। चल मेरे 8 नंबर, निकल जा शॉर्टकट से। वाह, चल चल। ये लो 2 लाख, वो लड़की एक्सपोर्ट करो दुबई। 2 लाख नहीं 4 लाख, एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका। जहां शॉर्टकट को नंबर पर जीतने का गुरूर है, वहीं एक ऐसा इंसान भी है जिसे अपनी वर्दी, मुल्क और अपनी सेना पर फक्र है। 3 वॉरफ्रंट्स पे जहां ना जाने कितने शहीद हुए, वहीं अनगिनत गोलियों के बौछार से जिंदा बच के वापस आने वाले मेजर जावर प्रताप सिंह। क्या ये पैसों का इंतजाम करना? तुम फिक्र मत करो तमांग। मेजर जावर प्रताप सिंह, मेरा इरादा बदल गया है, मिलना चाहता हूं। मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे तुझ जैसों की जरूरत है। मेरे पास वक्त कम है और मेरे पास लक कम है। कितने दिन और कितना मिलेगा? जितने दिन तू जी पाए और जितना तू गिन पाए। लेकिन याद रहे मेजर, एक बार घुस गया तो पीछे नहीं हट सकता। दुश्मन का बॉर्डर हो या दी हुई जुबान, हिंदुस्तानी सिपाही पीछे नहीं हटता, कोई शक। इस गेम में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जिनका लक अच्छा होता है और दूसरा जिनका लक बहुत अच्छा होता है। गुड लक।
There are 6 bullets in your gun. 5 are blanks. 1 can kill you. Aim at the person to your right. 15 goliyon ki awaaz ek saath sunna chahta hoon main. Trust your luck. All the best. इस 5 मिनट के खेल की तुम्हें इतनी कीमत मिलेगी जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। आज तुमने अपना और हम सबका बहुत फायदा किया है। दुनिया भर से लोग तुम पर पैसा लगा रहे हैं और अब तुम्हारा रेट डबल हो चुका है। वेल डन। वो वैन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारे रहने का बंदोबस्त है। अब आप ठीक है? सॉरी, नहीं, दोपहर में आप थोड़ी स्ट्रेस थी। आयो के ना? मैं ठीक हूँ। देखिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा? अगर मैं ये ना करूं तो पूरी जिंदगी कर्ज में दबी रहेगी। कम से कम माँ के पास तो पैसे होंगे। पैसा किसी बेटे की जगह नहीं ले सकता ना। चांस लिया है, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। ये मोबाइल शायद आपका है, नीचे रह गया था। थैंक्स। कुछ काम हो तो वो आखिरी कमरा मेरा है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें याद करूंगी? सबसे करीब कमरा मेरा ही है। कमरा करीब होने से इंसान करीब नहीं होता। शुक्रिया अदा करने से दोस्ती की शुरुआत तो हो सकती है। बारह पैराशूट्स, अजीब गेम है ना, लेकिन इन पैराशूट्स के साथ तुम लोगों का लक जुड़ा हुआ है। नहीं समझे? 12 पैराशूट्स में से 9 खुलेंगे और 3 नहीं खुलेंगे। Whoever is lucky will pick up the right parachutes and live, and who's not lucky will die. That's sick. No, that's what luck is all about. देखो तुमने क्या खोया है ये मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि मैं कुछ खोने लगा हूं। क्या हुआ? ऊंट, ऊंट का गोबर। नफरत है मुझे। अभी कुछ देर पहले यहीं से गुजरे होंगे। ऊंट के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? दौड़ाती थी मटके की रेस में। अरबी लोग पैसा लगाते थे, वहीं से दिमाग ने उठाया, बोला बड़ी रेस में चल। माँ बाप को मालूम है तू यहाँ है? उन्होंने तो भेजा मुझे। भेज दिया? हाँ, एक अरबी सेठ को 15,000 में। साला अखा जिंदगी ऊंट के नीचे निकाला। वो अरब लोग की तरह मैं भी अपनी लेक्सस लूंगी। लेक्सस? हाँ वही। We'll be right back.
एक पैर खोने से तीन हाथ मिले, सौदा बुरा नहीं है बॉस। मेरा लक तुम सबके साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक्स। अकेले रह पाओगी? मैं ठीक हूँ, कुछ देर सो लूंगी। अच्छा तो तुम सो लो, मैं तब तक यही इंतजार करता हूँ। नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। क्यों आशा? क्योंकि मैं राम नहीं हूँ। गुड नाइट राघव। राघव रघुवरन, जेल में ये रिंग किलर के नाम से जाना जाता था। आयशा से पहले 13 लड़कियां जिन्होंने राघव को ठुकराया, कोई जिंदा नहीं बची। मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर। वेलकम टू द लास्ट गेम राम। ठीक 7 मिनट में ये ट्रेन नताशा को इस पेट्रोल टैंकर में चीरती हुई निकल जाएगी। काश मैं उस ट्रेन की रफ्तार को और उस ट्रेन पे लगे हुए माइंस को रोक सकता, लेकिन क्या करूं, बिजनेस, प्योर बिजनेस राम। क्या तेरे लक की रफ्तार इस ट्रेन की रफ्तार को रोक पाएगी? अगर तूने इस ट्रेन को रोक लिया तो तुझे 20 करोड़ मिलेंगे, और अगर तू नाकामयाब हो गया तो तुझे रोकने वाले को 20 करोड़ मिलेंगे। तू ये गेम खेलेगा तेरी नताशा के लिए। जो लड़की राघव को नहीं मिलती वो उसे मार डालता है, और मेजर तुम ये गेम खेलोगे पैसों के लिए, अपनी मजबूरी के लिए। नहीं, इस बार मेजर पैसों के लिए नहीं खेलेगा, इस बार वो राम के लिए खेलेगा, वो खेलेगा नताशा के लिए। कोई शक? वेल डन राम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। ये रहे तुम्हारे 20 करोड़, तुम जा सकते हो। नहीं मूसा, मैं और खेलना चाहता हूं। अगर जो दिल से खेलता है लक हमेशा उसका साथ देता है।
ये आपका एक्सरे है। गोली का पॉइंट एग्जैक्ट उस जगह पे था जहां आपका हार्ट होना चाहिए था। होना चाहिए था मतलब? करीब 50,000 लोगों में से कोई एक ऐसा पैदा होता है जिसकी बॉडी को हम मेडिकल टर्म्स में मिरर इमेज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसका हार्ट लेफ्ट की जगह राइट की ओर होता है। ये अजीब ज़रूर है मगर हकीकत है, ख़ास तौर से आपके केस में मिस्टर राम। इट्स अ मिरेकल जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। राम, मैंने सोचा तेरा राम नाम सत्य हो गया, लेकिन जब ये डॉक्टर से तेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना ना तो मेरा दिमाग घूम गया। मटके की दुनिया में मैं बेताज बादशाह हूं, लेकिन तू सलाई का निकला। हाँ, कमाए हुए पैसों से शॉर्टकट प्रोस्थेटिक लेग के जरिए एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। 8 नंबर के ऊंट की तरह जीतने के लिए एक बार फिर तैयार। मेजर ने अपनी बीवी को बचाकर लकी मेजर जावर प्रताप सिंह का खिताब बरकरार रखा। नताशा को हमेशा के लिए राम के लक का सहारा मिला और राम को फिर सिर उठाकर जीने की जिंदगी मिली।